गाइस आप देख सकते हैं ये मेरी मैड फैमिली। थोड़े बहुत डब्बे भी हैं आंटी, कम करोगे आज? तो क्या आप अपने माँ को प्यार नहीं करोगे? टोकरा भी टूट गया सारा, ये देखो। नहीं गाइस थोड़ा सा भी फेस में थोड़ी फ्रेशनेस सी आ गई है। इसी बनाइए पूरी आलू की सब्जी के साथ। मेरा बेटा ना बड़ा हो गया, अभी ना दुकान पे जाके कुछ ना कुछ सामान वगैरह अपने आप ले आता है। ये क्या लेके आएगा? तो उसके डैडी लेट हो रहता है। दस बैलून, दस चिप्स। तो गाइस ये दुकान पे जाके अभी लेके आएगा दूध या फिर ब्रेड, दूध ब्रेड दोनों, क्योंकि उसके डैडी आज लेट हो रहे थे, वो चले गए, नाश्ता भी नहीं करके गए। आज उनको जल्दी जाना था तो जल्दी आएंगे। ये क्या कर रहा है, स्टूपिड है? तो आज इनकी छुट्टी है, युवराज चौधरी की स्कूल की छुट्टी है, तो मतलब हमारी भी छुट्टी है ना। अगर आपकी मम्मा और मोटी हो गई तो क्या आप अपनी मम्मा को प्यार नहीं करोगे? और भी मोटी और अगर पिचक गई तो? पिचक गई पिचक गई नहीं बोलते बेटा, कुछ भी बोलता है तुझे तो। जब भी कैमरे के सामने लेगा तू कुछ भी बोलता है, ऐसी ऐसे नहीं बोलते ऐसे आजा भी नहीं जा रहा गाइस, सूची में स्वेलिंग आ रही है आज तो, मैं पिछले ज्यादा बोल रही है और मेरी नाक पे देखो कितना जोर आ रहा है, कैसी लग रही हूँ भाई, कितना ही बिगड़ गया। ऐसे बोलते हैं पतली हो जाएगी, पिचक गई नहीं बोलते किसी को भी। उसकी और ज्यादा बड़ा आवाज नहीं है वो, वो है जूम करना, अगर हम उसको ऊपर करेंगे तो जूम हो जाएगा और नीचे करेंगे तो फिर पहले जैसा हो जाएगा। तो करो ना। क्यों करना है लेकिन? करना ऐसे अच्छे लग रहे हो आप, दिखाओ। मैं करती हूँ, जाओ मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है? पास आ गया ना इसको फिर से हम ऐसे करेंगे, ठीक है? वॉल्यूम के लिए नहीं है ये, जूम इन जूम आउट, जाके दूध लेके आओ। काजू का स्पीकर छोटा सा, और इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये इतना सा स्पीकर दिख रहा है कि किड्स लिखा हुआ है इस पे। और ये ना रात को क्या करता है, जब सोएगा ना तो अपने बेड के, रात को अपने बेड के पास उसको रख के सोता है। इसमें स्टोरी वगैरह होती है और पोएम होती है, राइम्स होती हैं, है ना काजू, सुनता है ना? और मंत्र वगैरह भी बताते होगा इसमें, बहुत सारी चीज़ें। देखो ब्लूटूथ कनेक्ट, हम कभी कभी टीवी से भी कनेक्ट कर लेते हैं। 30+ राइम्स है इंग्लिश और हिंदी में, और 300 स्टोरीज हैं, और 20+ क्या है सॉन्ग्स हैं, फोनिक्स हैं, नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स, टेबल्स, एंड 33+ मंत्र है, जैसे गायत्री मंत्र, मंत्र हनुमान चालीसा एंड एटसेट्रा गाइस। और दोस्तों तो, यहाँ पे भी लिखा है ये गाने सॉन्ग्स स्टोरीज ये सारी चीजें लिखी है आपको, और इसमें ऑप्शन मिलता है इंग्लिश का और हिंदी का दोनों का, तो मैं इसको दोनों ही चलाती हूँ और सुनाती हूँ, ठीक है? अब दोनों सुनाती हूँ तो क्या हुआ, एक सुना करो। मैं नहीं सुनाती, मतलब चलाते हैं चला के देखा है इसको, तो जैसे गाइस उनके लिए भी ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना तो टीवी नहीं दिखाओ उनको, इसी में चलाओ, देखो मैं दिखाता हूँ। अवरान मंत्रास, जय अंबे गौरी, जय अंबे गौरी, आरती, कॉपीराइट आ जाएगा। राइम्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, मेरे पास फिर तितली बोली। चाय बना लेते हैं, काजू लेके आ गया दूध ब्रेड, और ये देखो पोएम सुन रहा है। सो गाइस सफाई करनी रह रही, देखो यहाँ से फिर से डब्बे हटा के सफाई कर दूँ क्योंकि गंदा हो रहा है, फिर तो बहुत दिन में टाइम मिलेगा। और ये वाली तो कर दी मैंने साफ, यहाँ लगा दिया सारा गैस, ये सब चीज़ हटा के साफ करूँगी, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है वो, तो ये डब्बे रखे हुए थोड़े मसाले के, ये आंटी से साफ करवाऊँगी मैं। और भिंडी रखी हुई है, देखूँगी भिंडी बनाऊँगी शायद, पता नहीं पक्का क्या बनाना है क्या नहीं, ठीक है? अब पहले बना लेते हैं हम चाय, क्योंकि लग रही है भैया भूख, ठीक है?
तो गाइज मैंने थोड़ा बहुत जो किचन का काम था वो निपटा लिया था और नहाने की बारी थी मेरी। तो नहाने से पहले मैंने थोड़ा सा बहुत दिन बाद ना अपने चेहरे पर थोड़ा सा फेस पैक लगाया। मतलब वैसे कुछ ऐसा खास नहीं कि मुझे लगाना ही था, बस मुझे कोई भी चीज़ दिख जाती है ना ऐसे सामने सफाई करते करते तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो कवर थोड़ा सा साफ़ कर रही थी, मतलब ये जो मेरा ड्रेसिंग है तो उसमें रखे थे ये सारी चीज़ें, किट रखी हुई थी तो मैंने यूज़ ही नहीं की थी। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा फेस पैक यूज़ कर लेते हैं, फेस पर जो भी डालने से थोड़ी काम हो जाएगी। गाइस फेस पर ग्लो सा तो आ गया, स्क्रब भी किया था मैंने, फिर फेस पैक भी लगाया था। और सच्ची बताऊँ बहुत दिन कहीं महीनों से ना मैंने फेस पर कुछ भी नहीं किया था और इतना डल सा हो रखा था। आज मैंने अच्छे से मसाज कर लिया, हल्की सी मैंने लिपस्टिक लगाई, लेकिन पता नहीं ये डार्क दिखाई दे रही है इस फोन में, बहुत लाइट कलर है ये। और मैं नहाई धोई नहीं हूँ अभी, काम करना है मुझे अभी, बट फिर भी थोड़ा सा लगा लेता कि ब्लॉग में थोड़ा अच्छी सी शक्ल आए, बुरी बुरी सी आ जाती कभी कभी। काम करना है गाइस थोड़ा सा, अभी फेस में थोड़ी फ्रेशनेस सी आ गई है। और अभी पता है मैं तो मेरा फिर भी इस बार इस वाली प्रेगनेंसी में ना मेरी बॉडी ना बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, मतलब नेक पे भी थोड़ा डार्कनेस आ गई है और इचिंग वगैरह भी मुझे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। जैसे कि मैंने गले में कुछ नहीं पहन रखा, कान में रिंग्स वगैरह भी निकाल रखी, मैंने पायल भी निकाल रखी है, सब चीज़ निकाल रखी मैंने, क्योंकि मुझे ना हर चीज़ से एलर्जी हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, इस बार हो रही होगी ऐसी। ठीक है सो चलो गाइस थोड़ा सा काम कर लेते हैं घर का। ठीक है सो गाइस सो के उठ भी गए और आज नहाए ही नहीं हूँ मैं, ऐसी हूँ देख लो, क्यों नहीं नहाए क्योंकि टंकी में पानी ख़त्म हो गया भाई। और ये भी सो के उठ गया नहा के, ये तो नहा लिया था, ये नहा लिया था गाइस, मैं रह गई थी और पानी पता नहीं कैसे ख़त्म हो जाता है और आज नहाना ही रह गया, बट अब नहाऊँगी शाम को। और बर्तन भी पड़े, आंटी भी आई थी बर्तन साफ़ करने के लिए और कुछ डब्बे वगैरह मसाले के वो भी साफ़ करवाने हैं, मतलब इस मतलब कि झाड़ू पोछा लगा है बस और ये नहाया, बाकी सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, पानी नहीं आ रहा और अब आएगा। टाइम हो रहा है 6:30 हो रहे हैं, 7 बजे पानी आएगा शायद, उसके बाद मैं नहाऊँगी और कुछ काम होगा आगे का। और इतनी अच्छी हवा चल रही है देखो, पर्दे कितनी तेज़ चल रही है, मस्त हवा चल रही है मस्त। ठीक है तो गाइज अभी भी देख लो मेरा सामान ऐसे पड़ा हुआ है, शाम हो रही है और अभी पानी जस्ट आया है, आंटी आएगी अभी तब साफ़ करूँगी सारा, एक पानी की वजह से पूरा सारा काम ही ऐसे फैला पड़ा है। और सुबह मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी, तो मैंने भिंडी नहीं बनाई थी, भिंडी बनाऊँगी कल क्योंकि टमाटर नहीं है। ठीक है और थोड़ी सी बनाई है पूरी आलू की सब्ज़ी के साथ क्योंकि काजोल में खाएँगे, उसके बाद तेल अभी गर्म है ये सब चीज़ मैंने इसलिए भी जल्दी कर लिया क्योंकि फिर आंटी से बर्तन सारे धुल जाएंगे ना, तो खा लेते हैं भाई पहले हम खाना। आलू की सब्ज़ी के साथ ना पूरी ही ज़्यादा अच्छी लगती है, रोटी में मज़ा नहीं आता बिल्कुल। सुबह मैंने चावल बनाए थे इसके साथ और अब बनाई मैंने पूरी। और तो गाइस आंटी तो अभी आई नहीं है, बहुत देर हो गई है, पानी कब का आ चुका है और बर्तन भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो ये डब्बे वगैरह मैं ही बैठ के करती हूँ साफ, थोड़े बहुत जितने भी होंगे, अभी तक तो वो आई नहीं है, पता नहीं क्यों टाइम तो हो रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ पता नहीं रहता, कभी कभी छुट्टी भी मार देती है, बट हाँ अब उन्होंने मना किया अभी इतनी जल्दी छुट्टी नहीं करनी है, तो तब तक मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ बैठ के, ये जो रखे हैं बॉक्स ये साफ़ हो गए तभी तो मैं सामने लगाऊंगी गाइस, यहाँ पे साफ़ करके तब सामने लगाऊंगी, जितना हो जाएगा इतना करूँगी मैं बैठ के, ट्राई करती हूँ। तो चलो गाइस कर लेते हैं जब तक आंटी आती है, इनके अंदर ना मसाले भरे हुए हैं तो इनके अंदर पानी भी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा जैसे तैसे होगा ऊपर से और उसको कपड़े से साफ़ करके तब रखूँगी मैं। देख लो आप भी एक बार ये रखे सारे देखो, ठीक है बॉक्स वगैरह, और ये टोकरा भी खाली करना है क्योंकि आंटी इसमें बर्तन रखती है गाइस। ठीक है तो चलो कर लेते हैं, टोकरा भी टूट गया सारा, ये देखो नया लाना पड़ेगा, सारा टूट गया, काफ़ी साल हो गए इसको भी। और ये हैं सारे डब्बे वगैरह, और पता है बहुत मतलब ऐसे हो रहा है जैसे वो हो जाता है ना तेल वगैरह जम जाता है पूरा वाला एकदम हो रहा है, और सभी के अंदर मसाले हैं, पानी नहीं जाना चाहिए, पानी चला गया तो हो जाएगा सत्यानाश। और जो फालतू डब्बे ना उनको फेंकने वाली हूँ मैं, जो बिल्कुल भी मतलब अच्छे नहीं लगते, वैसे मैंने बहुत सारे ऐसे हैं जो उसमें सेट हैं पूरे, लेकिन मैंने सब मिक्स करा हुआ किया हुआ है इसमें, तो जो वैसे वाले ना नॉर्मल से होते उनको हटा दूँगी मैं, जो अच्छे भी नहीं लगते ज़्यादा। गाइस आ गई आंटी देखो इतनी लेट, आंटी सोच रही मैं किससे बात कर रही हूँ, वैसे आंटी को पता नहीं मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मसाले ना पानी नहीं जाना चाहिए आज बड़े तुम ही की हां क्या काम कर रहे हो, मुझे लगा देते इधर से वाला तुम ले लो, इसमें ये स्टील वाला थी ना एक, कहां आपने खरीदा नहीं स्टील वाला, नहीं पाई अभी थैली वाला नहीं आई थी।
दुकान पे नहीं मिलता? दुकान पे मिलते खराब हो जाते, दो दिन भी नहीं जाते। नहीं इसी जो लगती है ना इसी। टोकरा आंटी मिल गया, इसी में रख रहे हो टोकरा? अच्छा इसी में रख रही। थोड़े बहुत डब्बे भी आंटी, कल करोगे? आज कल करूंगी, कल करूँ। तो भाई आंटी बर्तन कर गई है, देखो करके गई है सारे, मैं धो दिया यहाँ पे। और ये जो मैं कर रही हूँ थोड़े से मैंने कर दिए, थोड़े से रह गए और बेकार जो फालतू को मैं निकाल दूँगी और सामने लगा दूँगी तुरंत तुरंत। फिर बना दूँगी मैं रोटी, मैंने तो खा ली, काजू ने भी खा ली, जब आएंगे इसके डैडी तब बनाऊँगी मैं। तो इनको पहले लगा दूँ, कुछ तो मैंने बैठे बैठे साफ़ कर ली, कुछ बेकार है जो उनको अलग हटा दूँगी मैं गाइस। और उसमें मसाले तो वो ज़्यादा धुलेंगे भी नहीं। आंटी मुझे ये बोल रही कि मैं खड़े होकर तो कितने भी सारे बर्तन कर सकती हूँ लेकिन मुझसे बैठ के नहीं होते, तो बैठ के नहीं होते, यही तो मेरी प्रॉब्लम है गाइस। अगर अगर खड़े होकर करने होते ना मुझे, तो मुझे मैं खुद ही कर लेती अगर किचन वगैरह बनी होती तो फिर आंटी की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, बैठ के नहीं होते मुझसे भी, तभी तो मैंने आंटी को बर्तन साफ़ करने के लिए लगाया है। तो मुझसे भी यही कह रही थी कि बाकी जो डब्बे वगैरह हैं ना वो मैं कल कर दूँगी, ये वाले जो बड़े बड़े वाले भी रखे हैं नीचे ये सब और कुछ इसमें से। तो मैंने बोला था आंटी फिर डब्बे वगैरह भी करोगे, और उन्होंने बोला कल करूँगी, मैं थक जाती हूँ बैठ के। बैठ के ना होता नहीं गाइस, ये भी जैसे और घरों में काम करती है तो खड़े होकर करती है, ऑब्वियसली किचन है सबके घर में और सिंक वगैरह लगा हुआ है तो वो धो लेती है आराम से खड़े होकर। बोल रही खुद कह रही कि मैं खड़े होकर कर लेती हूँ, क्योंकि बैठ के नहीं होता। तो बैठ के थोड़ा सा पानी की भी दिक्कत है ना, बाहर टोटी वगैरह नहीं है, पाइप लगा के करना पड़ता है, और फिर जब पाइप लगा के काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट भी होता है। ठीक है, थोड़ा सा जितना भी था मैंने साफ़ कर लिया ये देखो, और इसमें रखे हैं कुछ वो प्लास्टिक के बर्तन जो सुबह करेगी आंटी, कल कर देगी या फिर मैं देखूँगी, ट्राई करके मैं कर सकती हूँ। ठीक है, जो आंटी करेगी, बाकी तो मैंने सारे मैं साफ़ करके लगा दिए, जितने भी लगे हैं सारा ही साफ़ करके गैस साफ़ कर दी। और अभी बनाऊँगी मैं थोड़ा सा जूस, और यहाँ करूँगा थोड़ा सा गर्म पानी, गर्म पानी से लेकर, क्योंकि ये अभी अभी आए हैं, इनके पैर में थोड़ी सी मोच आ गई है, तो उसमें फिटकरी वगैरह डाल के गर्म पानी में या नमक डाल के थोड़ी वो कर लेंगे डिप करके, उसमें थोड़ी स्वेलिंग सी आ गई है पैर पे, इसलिए कर रही हूँ मैं। और सारा ये सब चीज़ मेरी हो गई है, अब बनाऊँगी मैं जस्ट रोटी और थोड़ा सा शेक बना दूँगी इनके लिए, दोनों के लिए शेक पी लेंगे। मैं पानी दे दूँ पहले इनको गर्म करके। सो गाइस गर्म पानी तो कर देते, लेकिन फिटकरी थी नहीं, मुझे लगा फिटकरी रखी होगी, और रखी थी वैसे पता नहीं कहाँ गुम हो गई, ऐसे टाइम पे मिलती भी नहीं है। तो फिर मैंने नमक डाला, और नमक से भी ठीक रहता है स्वेलिंग वगैरह, तो खैर इतनी थी नहीं पैर पे, लेकिन उसे ना चला नहीं जा रहा था, तो मोच में से हो जाता है गाइस, एकदम से चला नहीं जाता है, थोड़ा एक दो दिन बाद थोड़ा आराम लगता है, तो पानी से थोड़ा सा ऐसा कर लिया था तो आराम थोड़ा सा लगा था फील। फिर उसके बाद मैंने बनाया शेक, बनाना शेक, इन्होंने बोला रोटी बाद में खाऊंगा पहले बनाना शेक दे दो, क्योंकि काजी भी बैठा था बनाना शेक के लिए, तो मैंने दोनों के लिए बनाया। और गाइज़ ये एक इकलौता ऐसा जूस है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बनाना शेक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ये दोनों इतने दीवाने हैं। वैसे बनाना शेक मैंने ना यहाँ पे नॉर्मल बनाया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं डाली जो मैं डालती हूँ, और जब कभी बनाऊँगे ना तब देखना, बॉर्नवीटा वगैरह, काजू किशमिश, बादाम, ओट्स वगैरह सब चीज़ डालती हूँ मैं, और बॉर्न वो क्या नाम होता है काजू की जो चॉकलेट सिरप होता है वो भी डालती हूँ। तो ये कुछ भी सामान नहीं था, ऐसी नॉर्मल मैंने चीनी और दूध और बस बनाना था, इन्हीं सब चीज़ों से बनाया नॉर्मल ये। फिर भी हाँ, एक पीनट बटर है उससे और भी ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। तो फिलहाल सारी चीज़ें ख़त्म हो रखी थी, मैंने ऐसे ही जस्ट बना दिए, और इनको ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। कभी नहीं पीती मैं, कभी भी ये शेक नहीं पीती मैं, बनाना तो खा लेती हूँ ऐसे ही, पर शेक कभी नहीं पीती। तो बना के मैंने तैयार कर दिया था, और दोनों बैठे थे पीने के लिए, और ये इतने मतलब काजू को तो इतना पसंद है, हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद है बनाना शेक, बस दोनों के लिए ले जा रही थी। और इन्होंने फिर दोबारा भी मांगा था, जितने केले थे मतलब बच रहे थे सबका बना दिया मैंने। ठीक है, और चलते हैं अब इसको लेके दोनों के पास। तो शेक पी लिया था, रोटी भी मैंने बनानी थी गाइस, रोटी भी साथ के साथ बनानी थी। और यहाँ पर ये पानी गर्म हो रहा है, इसमें थोड़े से पैर को डिप करके बैठे ताकि स्वेलिंग में नहीं मतलब तो दर्द वगैरह जो थोड़ा बहुत है भी वो कम हो जाए। हालाँकि चलने में दिक्कत हो रही थी इनको थोड़ा सा,
थोड़ा सा क्या बहुत ही हो रही थी, हो जाती है जो एकदम से तुरंत मौत चलती है ना, तो एकदम से बिल्कुल ठीक नहीं होता, टाइम लगता है उसमें। तो बस यहाँ पर खाना भी खा रहे थे ये, और मैंने सोचा चलो अब मैंने तो पहले ही खा लेता था, तो मुझे नहाना था, मुझे नहाने में बहुत लेट हो रहा था, क्योंकि अगर मैं नहाऊँगी नहीं ना तो मैं बहुत बेचैन होंगी, नींद नहीं आएगी मुझे। तो काजू की तो छुट्टी थी, तो हमने सोचा था आज मूवी देखेंगे, लेकिन हम सोचते मूवी देखेंगे, पता नहीं कैसे नींद आ जाती, देख ही नहीं पाते। सो गाइस, मैं नहा के आ चुकी थी और फिर से मैंने नाइटी डाली थी। फिलहाल ना गाइस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कपड़े पहनने का, नाइटी ही पहन सकती हूँ मैं, यही मुझे कंफर्टेबल लग रहा है फिलहाल इस टाइम। देख क्या मस्त पी रहा है, एकदम शेक खत्म ही ना हो रहा इसका, क्योंकि मैं थक गया इसको ना मुझे। हाय गाइस, कैसे हो? ओए मैं एकदम जोर डाल दे इसमें, इसको कम तो बैठ नहीं कर सके। पीछे हो ना, पीछे हटाओ ना, मेरा लग रही है पैर में दर्द हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मेरी मैड फैमिली, मैं हूँ बंदर छोटा कच्चा, ये मेरी मेंटल फैमिली, एक मेंटल हो रहा पीछे और एक पाले पे टोकरी पे बंदर बिल्कुल चालाता, चलते चलते भूख लग रही, दुकान पे स्कूल लिए अंकल से बोला कितने रुपए पड़े, कितने रुपए पड़े, 8-20 के पड़े, 8-20 के पड़े, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे जो वो उसको खरीद सके, जिसको वो चल काजू खरीद सके। एक दिन रेप्टा रेप्टा मारा, रेप्टा मारा काजू, सुनना चलो तो तुम वीडियो को एंड कर दूं। चल आज अब बोल ले गाइस को बाय गाइस। Bye guys, eat for the tongue. Bye guys, मुझे एक नहीं बना ना तो मैं eat करूँगा। तो चलो guys ये तो पागल है, अब हम कल मिलेंगे ठीक है? Bye guys. नहीं 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 गाइस मूवी आ रही बहुत अच्छी, देखो गाइस बाय गुड नाइट टाटा एंड मूवी देख रहे हैं अब चलाएंगे स्पीकर बेस में ब्लूटूथ ओके करना ओके करो आप करो ओके आपके पास मौत नहीं है ऐसे करवा दियो खुद राजा बन के बैठियो महारानी की मम्मा तो लौट रहा जो करना कर लो मम्मा लो मैं छोटा बच्चा हूँ अच्छे मतलब से बच्चा हूँ फ्रेंड्स फिर से मिल गए हम रात में चल जाओ इधर आ जाओ अपनी जगह पे।